नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन हाट पर सीएसपी से लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लूट के क्रम में दो राउंड फायरिंग भी कर दी, लेकिन भाग रहे बदमाशों में एक को लोगों ने पकड़ लिया और पकड़े गए अपराधी को पीट पीट कर लोगों ने अधमरा कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन हाट स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी से कैश लूट के लिए पहुंचे एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों में एक को भीड़ ने धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तीन लोग बाइक पर आते हैं और फिर लूटपाट करके भागने लगते हैं। इसी में एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। ग्राहक और ग्रामीणों ने दो राउंड फायरिंग के बावजूद, मतलब ग्रामीण डरे नहीं, भागने के क्रम में सीएसपी से 1.5 लाख कैश लेकर भागने के क्रम में सड़क पर एक गिर पड़ा, जबकि एक के हाथ से कारतूस लोडेड कट्टा भी गिर पड़ा। भीड़ के हत्थे चढ़े एक बदमाश की जमकर पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंची कुढ़नी पुलिस ने भीड़ से निकाल इलाज के लिए पीएचसी में भेजा है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, सुनिए। 9:30 के करीब में हम लोग को सूचना मिली कि जमीन पेटिया में सीएसपी यहाँ चलता है, जो हमारे ब्रांच का एक शाखा है यहाँ पर, और उसमें लूट का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि एक जो लूटने आए थे तीन व्यक्ति थे और ब्लैक अपाचे से आए हुए थे, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा एक लड़के को उसमें पकड़ लिया गया। उसके साथ थोड़ा भाग दौड़ में थोड़ी सी चोट वोट आई है, उसको इलाज तक हम लोग भेज दिए और अभी आगे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। घटनास्थल से एक हथियार और खोखा भी बरामद हुई है। आगे हम लोग बड़े पदाधिकारी से आदेश लेकर विधिवत सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी को आपने सुना, घटना की छानबीन हो रही है। पुलिस की छानबीन में मोहनपुर मोहिनी के रहने वाले संतोष कुमार सुबह 8 बजे से सीएसपी खोलकर अपना काम कर रहे थे। उस वक्त एक ग्राहक मंजय लाल सिंह लेनदेन को लेकर खड़ा था। इसी बीच एक बाइक पर तीन बदमाश पहुंचे। दो बदमाश अपने अपने हाथ देसी कट्टा लिए संतोष के पास पहुंच गया। तीसरा बाहर में बाइक स्टार्ट कर खड़ा था। अंदर में घुसे दो बदमाशों ने एक ने मंजय लाल सिंह को कट्टा तान दिया। क्या कुछ कहना है सीएसपी संचालक का, वो भी सुनिए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मेरा घर मोहनपुर में है। मैं यहाँ देवेंद्र प्रसाद सिंह के मकान में, देवेंद्र सिंह प्रसाद सिंह के मकान में 2017 से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा कमतौल का सीएसपी चलाता हूँ। हम अपना काम कर रहे थे, 4-5 ग्राहक थे यहाँ। इसी बीच एक अपाची से तीन लड़का आया, एक लड़का रह गया अपाची पर, दो इंदर इन किया हथियार दिखाते हुए। एक मंजलाल सिंह एक ग्राहक है, उस पर तान दिया था। दूसरा आया मेरे पास से और बैग ले लिया, और बैग ले लिया उसका पिस्टल का वो क्या कर, मैगजीन गिर गया। मैगजीन उठाने के क्रम में फंस गया, इसलिए वो मंजलाल सिंह पर फायरिंग कर दिया। एक दूसरा जो था उसको बचाने के चक्कर दूसरा, तब तक एक दूसरा ग्राहक थे रणवीर कुमार, वो जो बैठ के उठा रहा था मैगजीन, उसी क्रम में उसको धर दबोचा। इन भी लोग भाग रहा था, भागने के क्रम में बैग हमारा लाल वाला लेके भाग रहा था, भागने के क्रम में उससे बैग गिर गया। तब तक भीड़ बहुत जुट गया, उसको एक जो बैग लेके भाग रहा था उसको पकड़ लिया, लेकिन जो फायरिंग किया। कितने के लूट हुई है? लूट नहीं हुई, बैग तो उससे गिर गया था। हाँ, बैग तो हमारे पास आ गया। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। कहाँ पे आप सीएसपी बैंक चला रहे हैं? जमीन हाट पर है। जमीन हाट पर शिवम मेडिसिन। तो एक ने तो कट्टा तान दिया, जबकि दूसरे ने 1.5 लाख कैश वाला बैग लेकर भागने लगा। इसी बीच मंजय ने दिलेरी दिखाते हुए एक को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच धराए बदमाश के हाथ से देसी कट्टा गिर गया। तब दूसरे बदमाश ने अपने हाथ में लिए कट्टा से मंजय पर दो राउंड फायरिंग की, लेकिन वो बच निकले। तब तक फायरिंग की आवाज़ पर जुटे ग्रामीणों की भीड़ ने एक को दबोच लिया, जबकि दो बाइक लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने घटनास्थल से एक बदमाश का लोडेड एक देसी कट्टा, मोबाइल भी जब्त किया है। पिटाई से जख्मी हुए बदमाश आकाश कुमार तुर्की थाना के खरौना डीह का रहने वाला बताया गया है। कुढ़नी प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि अपराधियों की करतूत सीसीटीवी फुटेज में मिली है। आकाश की निशानदेही पर फरार दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से मुकेश की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।